मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 नवंबर 2021 विशेष दिन, दिवाली का दिन। तो दिवाली त्योहार है अंधेरे से उजाले की ओर जाना। तो बाबा यही कर रहे हैं हम सभी आत्माओं को, अंधेरे से, अज्ञान के अंधेरे से उजाले की ओर लेके चल रहे हैं। तो सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाबा का साथ हमें ऐसे ही उजालों की ओर लेकर चलता रहे। मैं आत्मा अपनी यात्रा इस रूहानी प्रकाश की ओर चलाती रहूं, चलती रहूं, अग्रसर रहूं, और औरों को भी बाबा के इस महान कार्य में शामिल करती रहूं। क्योंकि सुख की दुनिया अब आई के आई, दुख के बादल छटे के छटे, और दिवाली जगमग रोशनी का त्यौहार। तो हम सबको अपनी आत्मिक ज्योति जलानी है, आत्मा को प्रकाशवान करना है। तो स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म रूप में भी हमको दिवाली मनानी है, यही सच्ची दिवाली है। तो बाबा की आज को हम सब बच्चा पूरे करेंगे, सब बच्चे, और रूहानी ज्योति को जगाएंगे। शुभ दीपावली। ओम शांति। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, यह बहुत खराब है। बाबा कहते कि संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, ये बहुत खराब है। बाबा ने कहा कि 3 प्रकार का बचपन कौन सा है, किस बचपन को कभी भी नहीं भुलाना। उत्तर में बाबा ने कहा कि 1 बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, 2 बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और 3 बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने, अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। बाबा कहते अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा, रोना अर्थात माया की चोट खाना। और आज मुरली का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है, 1 लौकिक बचपन, 2 है निवृत्ति मार्ग का। बाबा कहते वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं, वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। बाबा कहते वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और 3 है तुम्हारा ये वंडरफुल मरजीवा जन्म। बाबा कहते 1 माता पिता को छोड़ 2 माता पिता के बनते हो, यही है रूहानी माता पिता, और तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। बाबा कहते तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं, वह सब है जिस्मानी बाप, और ये है रूहानी बाप, इसलिए गाते हैं बाप का बनकर मरजीवा बनकर फिर यह भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बाबा कहते जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है कि ऊंचे तो ऊंचा भगवान कौन है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताए नमः कहते हैं, और फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। बाबा कहते वे सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है कि वह ऊंचे तो ऊंचा बाप एक है, ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाबा कहते बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, यह ख्याल करो कि बेहद के बाप को वर्षा किससे मिला।
बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है और फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। बाबा कहते उनकी महिमा है कर्तव्य पर, पास में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। बाबा कहते कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं, विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। बाबा ने कहा कि तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा, व्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते पहले पहले ये समझाओ कि सबका बाप एक है, सर्व शास्त्र में ही शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई, उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान उवाच, बाबा कहते अब शिव बाबा के चरित्र का क्या होगा, वह तो सिर्फ कहते हैं कि मैं इस शरीर का धार ले तुमको पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को रायोग सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते इसमें चरित्र क्या करेंगे, यह तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते तुम सत्युग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी, यह बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, पर अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा कहते वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने आते हैं। बाबा कहते बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती, उनका नाम ही है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। और बाबा कहते ये है पुरानी दुनिया आयरन एज, सत्य को कहा जाता है गोल्डन एज। बाबा कहते जो देवताओं के पुजारी हैं वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे, जो पूजे हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, क्या देना है कि हम उनके बच्चे हैं, यह भूलो नहीं। बाबा कहते भूलोगे तो रोना पड़ेगा, कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी, देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा कि हम आत्माओं को वापिस बाप के पास जाना है, इतने ढेर मनुष्य मरेंगे फिर कौन किसके लिए रोएगा। बाबा कहते भारत में सबसे जास्ती रोते हैं, पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, याद करते ना उनका नाम ले लेकर। बाबा कहते छाती पीटते रहते हैं, ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज, तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं, तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। बाबा कहते ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब हम जा रहे हैं वापस, नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स हैं और फिर मुंह किस में रखेंगे। बाबा कहते समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है तो रोने की क्या दरकार है, हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे बाप ज्ञान का सागर आनंद का सागर प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। बाबा कहते सागर से नदियां निकलती हैं, सब नंबरवार हैं, कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाबा कहते बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ, सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते तुम सबको बनना है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा, दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। बाबा कहते भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया, बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है और शिव जयंती भी मनाते हैं, और फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता, बाप और रचना को कोई दुनिया में नहीं जानते, ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए,
एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। बाबा कहते तुम सिद्ध कर बताओ कि यह सर्वव्यापी का कि यह सर्व का बाप है। बाबा कहते तो आपने क्या सिद्ध करना है कि बाबा सब आत्माओं का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। बाबा कहते वहां दुख की बात ही नहीं होती। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं कि क्या वहां उनको विकार के बिना बच्चा पैदा होगा। बाबा कहते अरे कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, वाइसलेस वर्ड। तो बाबा कहते इनको कहा जाता है विशेष वर्ड, और फिर कैसे कहते हो कि वहां भी विकार होगा। बाबा कहते पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ समझ ही नहीं सकेंगे। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है, उस भूल से निकले तब बाप को जाने। बाबा कहते निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। बाबा कहते शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में और बचपन में राधे कृष्ण को, और फिर द्वापर में ले गए हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को किसको दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन को राधे कृष्ण को, फिर वो द्वापर में शो करते हैं। तो बाबा कहते अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं, एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके, ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है। बाबा कहते इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो हम असल में वहां के रहवासी हैं, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं, कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। बाबा कहते फिर शांति में कैसे रहेंगे, शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है। बाबा कहते बताओ क्या वो उनके लिए शांति धाम हो जाएगा। तुम जानते हो कि अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। क्यों आएंगे, पाट बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी हैं उनके लिए नर्क है। बाबा कहते तुम जानते हो कि स्वर्ग नई दुनिया और नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है। दुनिया वाले तो कह देते हैं अगर हमारे पास पैसा है, धन संपत्ति है तो यही स्वर्ग है, अगर पैसा नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है तो ये नरक है। तो बाबा कहते नहीं, आप बच्चों को अब पता है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो बाबा कहते स्वर्ग नरक नहीं होता, नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है, और नई दुनिया को हम स्वर्ग का नाम दे देते हैं, पुरानी दुनिया को नरक का नाम दे देते हैं। भगवान उवाच, बाबा कहते ये भक्ति, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग, इनमें कोई सार नहीं। और सतयुग तेरता को ब्राह्मण ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन, सो तुम ब्राह्मणों का दिन, और फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। बाबा कहते तुम पहले पहले संगम युग में जाते हो और फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम ही बनते हो। बाबा कहते तुम कहते हो कि शिव भगवान उवाच और वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। बाबा कहते फर्क लंबा है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है। बाबा कहते नए को मजा नहीं आएगा, तुम किसी की निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, और बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। बाबा कहते संग दोष बहुत खराब है, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, उनका नाम ही है स्वर्ग, बैकुंठ सुख धाम। बाबा कहते शास्त्रों में तो लिख दिया है, क्या लिखा है शास्त्रों में, कि वहां भी असुर थे। बाबा कहते अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे, वहां जमीन आसमान में कोई भी पार्टीशन नहीं रहता। बाबा कहते अभी तो कितने पार्टीशन हैं, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं, दुनिया में कितने झगड़े होते हैं, तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है,
भगवान किसको कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं, भगवान होता है एक, दस नहीं होते। बाबा कहते कृष्ण भगवान हो न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। बाबा कहते ये अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीप माला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। बाबा कहते ये थोड़ी किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं, लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा। बाबा कहते बताओ, कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना, और नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है। बाबा कहते पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको चार भुजा दिखाते हैं, दो स्त्री की दो पुरुष की। बाबा कहते परंतु वह इन बातों को जानते नहीं है, तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना, कौन सा गीत? कि बचपन के दिन भुला ना देना। आत्मा कहती है कि बाबा हमको अब स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए, अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना, शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं? हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, और जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, कोई सुने तो वंडर खाए, कि आधा कल्प हम कामचिता पर बैठ कर जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे, अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। बाबा कहते ये है पुरानी दुनिया, और भारतवासी समझते हैं ये स्वर्ग है। बाबा कहते अरे स्वर्ग तो सत्युग में होता है, स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था। बाबा कहते यहाँ तो माया का पंप है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहीं मर ना जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बाबा कहते इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी, और फिर बाबा ने बंद कराया। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बाबा कहते बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। बच्चों को बार बार समझाया है कि मामी कम याद करो, बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। बाबा कहते वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं, और यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कहते अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाबा कहते जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है, और आप समान बनाने की सेवा करनी है, सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। और सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े, संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है, बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। और वरदान क्या है? दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। बाबा कहते जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आवाहन करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे, फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे।
अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। सब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। बाबा कहते उसी का ही ये यादगार ये दिवाली है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।